हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए पार्ट नंबर 5 यहाँ पर लिया है, 5 पार्ट नंबर यहाँ पर लिया दोस्तों सामान्य विज्ञान का। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ये दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोस्तों गत वर्षों में कई बार पूछे गए दोस्तों हर एक एग्जाम में, तो यहाँ पर भी आपके आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का यहाँ पर देखेंगे और इनका लुत्फ उठाएंगे और इनके आधार पर जो भी जानकारियां होंगी दोस्तों उनको भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर रोज़ ही मिलती है इंडियन आर्मी की एक एक वीडियो। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूध को दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध से दही बनाने में दोस्तों एक जीवाणु का इस्तेमाल होता है। दोस्तों एक जीवाणु कार्य करता है दोस्तों, यहाँ पर उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। H1N1 या लैक्टोबेसिलस या माइक्रोबैक्टीरिया या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लैक्टोबेसिलस नाम का दोस्तों जीवाणु जो आपका होता है वो यहाँ पर दूध से दही बनाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो माइक्रोबैक्टीरिया है दोस्तों ये आपका यहाँ पर तपेदित रोग का बैक्टीरिया होता है, अर्थात जो टीबी होती है दोस्तों उसका बैक्टीरिया जीवाणु होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों लैक्टोबेसिलस के कारण ही दोस्तों लैक्टिक अम्ल यहाँ पर बनता है। दूध से दही जो आपका होता है दोस्तों खट्टापन होता है वो आपका यहाँ पर लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये टार्टरिक होगा या फिर साइट्रिक होगा या फिर लैक्टिक होगा या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों साइट्रिक अम्ल यहाँ पर नींबू में पाया जाता है दोस्तों, और दोस्तों लैक्टिक अम्ल यहाँ पर दही में भी हमने देखा था, दही में। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है, आपका हर एक एग्जाम में पूछा था दोस्तों। मूत्र का यहाँ पर 7 होगा, 8 होगा या फिर 6 होगा या फिर आपका 4.8 से लेकर के 8.4 तक होगा। दोस्तों ये आपका यहाँ पर 4.8 से लेकर के दोस्तों 8.4 तक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो 7 होता है दोस्तों ये आपका जल का होता है, जो आपका उदासीन वाला होता है दोस्तों। और देखिए दूध का दोस्तों आपका 6.4 यहाँ पर आपका दूध का होता है, और रक्त का दोस्तों 7.4 आपका होता है। दोस्तों आप इनको भी याद रख लेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धड़कन मापने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? दोस्तों ये रक्तदाब मापी का या स्टेथोस्कोप का या पारे का या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर गले में डाल के दोस्तों कानों में लगाता है वो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग यहाँ पर करता है जिससे दोस्तों हार्ट बीटें सुनाई देती हैं दोस्तों। और देखिए रक्तदाब मापिका दोस्तों बीपी को चेक करने के लिए, रक्तदाब को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और पारा दोस्तों आपने देखा होगा मुंह में डाला जाता है तापमान को देखने के लिए या फिर बुखार को देखने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया की शुरुआत मानव शरीर के कहाँ से होती है? दोस्तों ये मुँह से होती है, छोटी आँख से या बड़ी आँख से या यकृत से? दोस्तों ये शुरुआत यहाँ पर देखिए शुरुआत की बात कही गई है तो ये दोस्तों आपके मुँह से हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपका हमारे मुँह से ही पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्फ का गलनांक कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको केल्विन में यहाँ पर दिया दोस्तों, आपको पता होगा तापमान की ऐसा ही पद्धति में दोस्तों जो मात्रक होता है वो आपका केल्विन होता है दोस्तों। तो केल्विन में आपको दिया दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 273 केल्विन। और दोस्तों यहाँ पर आपका डिग्री में पूछा गया होगा तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आपका 273 केल्विन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण क्या होता है? दोस्तों आपको पता होगा इंद्रधनुष आपने देखा होगा जिनमें 7 रंग होते हैं दोस्तों, बैनिया पिनाला करके आप उनको याद रख सकते हैं, सातों के सातों रंगों को। अब देखिए दोस्तों किसके कारण यहाँ पर होता है, जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परावर्तन या फिर दोस्तों प्रकीर्णन या फिर ध्रुवण या फिर व्यतिकरण? दोस्तों जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जल की दोस्तों उनमें परावर्तन प्रकाश का दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पर ये रंगीन दिखाई देती हैं दोस्तों। और इंद्रधनुष दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक तथा द्वितीयक कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यसद लेपन का प्रयोग धातुओं के ऊपर क्यों किया जाता है? दोस्तों ये जंग से बचाने के लिए या फिर कठोरता के लिए या फिर नया बनाने के लिए या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए यसद लेपन का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए धातुओं के ऊपर, मान लीजिए लोहे के ऊपर दोस्तों एक यहाँ पर काली चादर चढ़ाई जाती है दोस्तों, जो आपकी जिंक की होती है, जिंक की काली चादर को दोस्तों यसद लेपन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभार ये भी आपका पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों, ये आपका जंग से बचाने के लिए, धातुओं को बचाने के लिए दोस्तों चढ़ाया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों नमी और वायु की यहाँ पर क्रियाएं नहीं हो पाती, जो दोस्तों आपके यहाँ पर जंग लगने के मुख्य कारण होते हैं नमी और वायु, तो उनका संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों यसद लेपन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाने के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है? ये आपका जड़ दोस्तों या तना या पत्तियाँ या फिर फूल? दोस्तों ये आपके यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं, आपको पता होगा प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रात में अधिकतम ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है,
रात में अधिकतम ऑक्सीजन। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर रात में जो पेड़ होते हैं दोस्तों क्या देते हैं, वो दोस्तों आपके यहाँ पर CO2 रात को देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, रात में अधिकतम ऑक्सीजन देने वाला आपको बताना है ये आपका बरगद होगा, चीड़ होगा, या फिर फाइटोप्लैंक्टन होगा दोस्तों, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर देखिए फाइटोप्लैंक्टन होता है दोस्तों, जो आपके समुद्री तटों में दोस्तों पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में एकलिंगी में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको एकलिंगी का मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों एकलिंगी वाले होते हैं जिनमें केवल एक लिंग होता है दोस्तों, अर्थात या नर या फिर मादा, तो उनको दोस्तों यहाँ पर एकलिंगी कहते हैं। वो दोस्तों यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है, मानव, कुत्ता, बंदर, या फिर पुष्प। दोस्तों इनमें देखिए पुष्प यहाँ पर शामिल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दोस्तों अधिकांश पुष्प होते हैं दोस्तों जिनमें दोनों क्रियाएं यहाँ पर नर और मादा एक ही में होते हैं, उनको दोस्तों द्विलिंगी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका शामिल नहीं होगा, और इनमें दोस्तों केवल एक लिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल को कितनी परतों या फिर आप कहें कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में, या फिर पांच भागों में। दोस्तों ये आपका कितने भाग हो जाएंगे, ये आपके दोस्तों पांच भाग हो जाएंगे, जिनमें दोस्तों पहला आपका क्षोभ मंडल है, दूसरा दोस्तों आपका समताप मंडल है, तीसरा दोस्तों आपका ओजोन मंडल है, चौथा आपका आयन मंडल है दोस्तों, और पांचवा आपका बहिर्मंडल है। अब देखिए दोस्तों, इनमें आपके अलग अलग यहाँ पर होते हैं। क्षोभ मंडल में दोस्तों आपके यहाँ पर बारिश, बादल वगैरह होते हैं। समताप मंडल में आपके यहाँ पर दोस्तों वायुयान के लिए उनके लिए अनुकूल माना जाता है दोस्तों, और आपका ओजोन मंडल में आपकी ओजोन परत होती है। तो इस तरह दोस्तों आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपके रेडियो एक्टिव किरणें आयन मंडल में दोस्तों चलती हैं, जहाँ पर दोस्तों आपने टेलीफोन वगैरह इनका कार्य होता है दोस्तों, इनकी तरंगों का कार्य होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बुढ़ापे के कारण या फिर आप कहें अधिक उम्र के कारण दोस्तों आंखों की कमजोरी होती है एक, जिनमें दोस्तों पास और करीब और दूर की दोनों की दोस्तों यहाँ पर वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो उनमें कौन से वाले लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है, उत्तलका, अवतलका, या फिर द्विफोकस, या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका द्विफोकस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और निकट और दूर का भी आपको बताना चाहिए दोस्तों, उत्तल और अवतल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, दूर दृष्टि के लिए आपका उत्तल का, निकट के लिए अवतल का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा होता क्या है दोस्तों। ये आपका यहाँ पर सफ़ेद आपने देखा होगा सीमेंट की तरह होता है दोस्तों, जो हड्डियों के टूट जाने के कारण उनको दोस्तों सांचे में लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो इसका आपको रासायनिक केमिकल फॉर्मूला बताना क्या होगा, ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला आपको दिया है C6H12O6, या फिर आपका C6H6, या फिर दोस्तों आपका CaSO4 2H2O, या CaSO4 1/2H2O। दोस्तों ये आपका होता है CaSO4 1/2H2O, अर्थात दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर आधा दोस्तों आपका वाटर का दोस्तों मॉलिक्यूल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका काय का होता है, ये आपका ग्लूकोज का होता है दोस्तों, ये आपका बेंजीन का होता है, और दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए जिप्सम का होता है। और दोस्तों जिप्सम से ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है दोस्तों, 373 केल्विन का टेम्परेचर तापमान देकर के दोस्तों ये आपका बनता है। ये आपको याद रखना है, दोनों को याद रखना है, इनमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभार। जिप्सम यहाँ पर केवल आधे का अंतर यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका केवल यहाँ पर 1.5 मॉलिक्यूल आप यदि वाटर का मिला दें तो ये दोस्तों दोनों में अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी शराब पीकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि शराब पी के लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए दोस्तों कौन सी वाली शराब यहाँ पर उत्तरदायी रहती है ये आपको यहाँ पर बताना है, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, या फिर मीठी एल्कोहल, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर होती है मेथिल एल्कोहल दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपका होता है CH3OH। और दोस्तों यहाँ पर देखिए C2H5OH, यहाँ पर आपको दोस्तों एथिल एल्कोहल होती है, और यही दोस्तों पीने वाली शराब होती है, और ये आपके दोस्तों जहरीली या फिर आपके यहाँ विषैली शराब होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों, GS के सामान्य विज्ञान के दोस्तों, बहुत सारे पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत काम आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ, नए नए वीडियो के साथ दोस्तों। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।